हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू रेवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी प्रमुख मछलियां हैं जिनका पालन करके हम एकीकृत मत्स्य खेती के जरिए ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप भी एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ब्लू रेवोल्यूशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं कि किन किन मछलियों का पालन हम एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम में कर सकते हैं। पुराने समय में एकीकृत मत्स्य खेती या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में हमारी कार्प मछलियाँ जैसे कि रोहू, कतला मृगल जिन्हें हम इंडियन मेजर कार्प कहते हैं एंड एक्सोटिक कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प एंड सिल्वर कार्प के फिंगरलिंग का पॉलीकल्चर किया जाता था, जो हमें बहुत से पुराने वर्कर्स के फार्मिंग प्रैक्टिसेस में भी देखने को मिलता था। अवेलेबल नेचुरल फिश फूड ऑर्गेनिजम्स एंड हैबिटेट के प्रति अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए मल्टी स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड डाइवर्सिफाइड कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए। मीडियम एंड माइनर कार्प्स जैसे कि लिबियो कालबासु, लिबियो गोइनस, पंक्टियस सराना, लिबियो फिम्ब्रिएटस, लिबियो बाटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय स्पीशीज हैं जिनका इंट्रोडक्शन इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम में किया गया। हम हमारी कार्प मछलियों का भी कल्चर मिक्स सिस्टम के अंतर्गत फ्रेश वाटर प्रॉन, मैक्रोब्रांचियम रोजनबर्गाई, मैक्रोब्रांचियम मालकम सोनी और कैट फिशेस जैसे कि मागूर, क्लेरियस पेट्रिकस, सिंघी, हेट्रोपनिस्टस फॉजिलस और एनाबास, एनाबास टेस्टुडिनस एंड मुरेल्स, चन्ना मारुलियस, चन्ना सेटस, चन्ना पंक्टेटस, ओम्पक एंड माइस्टर स्पीशीज के साथ प्रॉपर कंपोजिशन और रेशियो में किया जा सकता है फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिसोर्सेस। आइए अब हम एकीकृत मत्स्य खेती के प्रकारों के बारे में जानते हैं। भारत के किसानों के द्वारा मुख्यतः दो प्रकार के एकीकृत मत्स्य खेती किए जाते हैं, जिसमें पहला है एग्री एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम। यह एक 1-to-1 सिंगल सिस्टम अप्रोच है। इसके अंतर्गत पैडी फिश, हॉर्टिकल्चर फिश, वर्मी कंपोस्ट फिश सिस्टम आते हैं, जिसमें एक्वाकल्चर या मछली पालन मुख्य घटक होता है तथा बाकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वे माइनर या स्मॉल कंपोनेंट होते हैं। दूसरा है पशुधन मछली प्रणाली या लाइव स्टॉक फिश सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत कैटल फिश, पिग फिश, गोट और शीप फिश, पोल्ट्री फिश, डक फिश, रैबिट फिश शामिल हैं। फार्म्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा दोनों घटकों के बीच समन्वय या सिनर्जीज को बढ़ाने के लिए 1-to-1 सिक्वेंशियल अप्रोच किए जा रहे हैं। इसके अलावा एग्री एक्वा एनिमल हस्बेंड्री के कमोडिटीज को एक स्थान पर जोड़ने या मल्टी सिस्टम अप्रोच करने से हमारा पॉन्ड वाटर का फिश एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की इरिगेशन में यूज हो जाएगा, पॉन्ड के डाइक का यूटिलाइजेशन एपिकल्चर में हो जाएगा, एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री का फीड, फिश एक्सक्रीटा, ये सभी का एक्वाकल्चर में यूज हो जाएगा, ऑफ सीजन और ड्राइड पॉन्ड का ऑयल क्रॉप्स, बायोगैस स्लरी, एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर ऑफ अजोला एंड डकविड, डक फार्मिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री या फिश पॉन्ड के लिए यूज हो जाएगा। इन सब से यही पता चलता है कि ऑल आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि एक का बाय प्रोडक्ट दूसरे के इनपुट के रूप में लिया जा सकता है। इन सभी इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा हम न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करके और उपयोगी जैव संसाधनों का यूज करके हम सेम यूनिट एरिया में कम इनपुट देकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस तरह से फार्मिंग करने से हमें प्रोटीन का ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिलेगा, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होगा एंड जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। इस तरह इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग एक ऑर्गेनिक एक्वाकल्चरल मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोवाइड करता है जो बायोलॉजिकल साइकिल एंड इंटीग्रेटेड सॉइल वाटर फर्टिलिटी या ISWFM को प्रमोट एंड एंश्योर करता है। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर टूडेज वीडियो। थैंक यू।